हेलो दादा दादी चाचा चाची सभी को नमस्ते। राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आप लोग कैसे हैं? दादा दादी जितने भी बुजुर्ग लोग हैं सभी को प्रणाम। मेरे ब्लॉग देखने वाले भैया, यूट्यूब के भैया दीदी सभी को प्रणाम। मेरे ब्लॉग देखने वाले जितने भी भैया हैं दीदी सभी को प्रणाम। आप लोग मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए और मेरे ब्लॉग में कोई ताँक झाँक या नाचने गाने का कोई अथी नहीं है। सिर्फ गौ माता है, गौ माता को देखिए और समझिए और अपने अपने घर में एक गौ माता को पोसिए पालिए और सेवा करिए। यही आप लोग से विनती है। गौ माता सब कुछ सब बुद्धि देती है, पूजा पाठ करती है। गौ माता का काम आता है जो आप गौ माशाला में दान करिएगा वो मेरे गौ माता के ब्लॉग में एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और देखते रहिए। यही तो फल मिलेगा। गौ माता को दर्शन करिए, माता का दर्शन बहुत अच्छा है। आप लोग देखिए मैं जब तक गौ माता का दर्शन करती कोई काम नहीं होता है। गौ माता का रोज दर्शन कीजिए आप लोग। मेरे गौ माता पर कृपा अनिरुद्ध स्वामी जी का प्रवचन में क्या बोलता है? गौ सेवा कीजिए, गौ इसका पालन पोषण कीजिए। इसलिए आप लोग भी गौ माता पर दया कीजिए हर प्रवचन में। और गरुड़ पुराण में भी गौ माता के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है। गौ माता इतना सौ पूजा से बढ़ के पूजा है। इसमें कितना सब जितना भी देव हैं देवता हैं सब विराजमान हैं। हर देवता मेरे गौ माता में है। गौ माता के जैसा कोई भगवान नहीं। गौ माता में ही भगवान विराजमान है। जितने भी भगवान हैं सब गौ माता में विराजमान। इसलिए गौ माता को देखते रहिए और लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। दादा दादी बुजुर्ग लोग जितने भी देख रहे हैं सभी को प्रणाम। आप लोग मेरे गौ माता दया कीजिए, लाइक कीजिए, क्यों नहीं आ रहा है? जब तक आप लोग देखिएगा नहीं तो व्यू कैसे आएगा? व्यू आना चाहिए। गौ माता पर कृपा बरसाइए आप। देखिए मेरी गौ माता को कुकुरे खिलाए।